पुटिंग पेशेंस इनटू वर्क का मतलब है, किसी का नाम नहीं लूंगा, बस बहुत सारे लोग मुझे अपने लाइफ की हैपनिंग्स शेयर करते हैं, फिर मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं और लोगों से मिलता हूँ, आई लर्न अबाउट द हार्डशिप्स लोगों के क्या हो रही है. तो दुनिया में बहुत चीजें हो रही हैं, इट्स अ ग्लोबल रिसेशन, मैनी पीपल आर लूजिंग द जॉब, मैनी पीपल आर लूजिंग बिजनेसेस, बहुत कुछ हो रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, चीजें हो रही हैं. कुछ लोगों को मैंने देखा लिस्बन जाते हैं, कुछ यूएस कनाडा से, आई हर्ड 150 पीपल मूविंग टू लिस्बन एवरी मंथ, राइट, द काउंसिल की रिपोर्ट्स मिली. सो पीपल आर इन द टर्मोइल, राइट, कुछ लोग यूएस कनाडा आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से बर्बर के. सो इट्स ऑल ग्लोबल थिंग हैपनिंग, राइट, एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. लेकिन एक चीज हो रही है, पुटिंग पेशेंस इन टू वर्क, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने. पुटिंग पेशेंस इन टू वर्क का मतलब है कि कोई भी चीज का रिजल्ट जल्दी नहीं आता, राइट, whether you are an immigrant in the country, whether you got a kid, whether you got a new job, you lost a job, you got someone in the family, you lost someone in the family, कुछ भी हुआ, कभी भी सुकून फौरन से नहीं मिलेगा. अभी भी जॉब अच्छी दिन एक दिन में नहीं मिलेगी, जॉब चली गई तो नई जॉब एक दिन में नहीं मिलेगी, बिजनेस खड़ा हो गया तो बिजनेस पैसे देना शुरू नहीं करेगा एक दिन में, आपकी हेल्थ गॉड फॉरबिड खराब हो गई, यू गॉट अ बैड न्यूज, वो एक दिन में सही नहीं हो जाएगी, पूरा ट्रायल प्रोसेस होगा. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द पॉइंट, रेज योर हैंड्स. सो पेशेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रायल में ऊपर वाले ने आपको डाला है ना, उसका उससे गुजरना पड़ेगा. यू हैव टू, वो गालिब का शेर है ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है, वो ये नहीं बोलता भाग के जाना है, डूब के जाना है. सो वॉट डज दैट मीन कि उसको इंजॉय करते हुए जाना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा, दरिया आग का होगा, राइट. तो आग का दरिया मीन्स इट्स अ फायर, फायरी वाटर मीन्स इट्स अ हॉट वाटर, इट विल बी बॉइलिंग अप योर स्किन, इट विल बी पुटिंग ब्रूजेस एंड बर्न्स ऑन योर स्किन, तो मजा नहीं आएगा. लाइफ में पार्टी नहीं होती जब भी कोई प्रॉब्लम आता है. डू यू अग्री विद द पॉइंट, येस और नो? बट जब उस आग के दरिए से निकल जाते हैं तो गालिब कहते हैं फिर बहुत मजा आता है, बिकॉज यू लर्न, यू बिकेम वाइजर, यू बिकेम लाइक अ मेंटोर, यू बिकेम एक्सपीरियंस, फिर आप दुनिया को वाज दोगे, दुनिया को आप सिखाओगे. अच्छा ऐसा होता है, अच्छा टाइम भी आएगा, मेरे साथ भी हुआ था, ये होगा, राइट, फिर आप एक अलग लेवल पे स्कॉलर बन जाते हो, यस और नो? बट क्यों बन जाते हो? बिकॉज आप उससे गुजर चुके होते हो, या तो आप 90 पे गुजरते हो, या 30 पे गुजरते हो, या 13 साल की उम्र में गुजरते हो. जितना जल्दी गुजरते हो उतना जल्दी आप वाइज बन जाते हो, यस और नो? सो मेरा ख्याल है पुटिंग पेशेंस इन टू वर्क का गुलशन मतलब ये भी है कि थोड़ा सा चीजों को स्लो डाउन करना पड़ता है. एक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ है और उसको बोल दिया खत्म, गॉड फॉरबिड कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज कोविड हो गया, या जिसने होप लॉस कर दी है, या एक आदमी जो बिल्कुल खत्म हो गया इकोनॉमिकली, कुछ हो गया, यू नो, हाउस कैच द फायर, बिजनेस बर्न हो गया, हाईजैक हो गया, कुछ और हो गया, जल गया. एक एक बहुत अच्छा वाकया था. सो मुझे नहीं पता कहाँ, बट सोमालिया में या कहीं पे जलजला आया, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि वहां पे सब खत्म हो गया, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया. एंड वहां पे जो है, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी, और वहां पे सब चले गए, सब भूख मरा मच गया, भाग दौड़ हो गई, यूनाइटेड नेशन, ये वो, यूएसए, सब आना शुरू हो गए, दुनिया कवर कर रही है, सीएनएन, बीबीसी. एक आदमी उठा और उस मिट्टी के ढेर में जिसपे सब दुकानें थी, मॉल्स थे, घर बार थे, जो सब तहस नहस हो गया था, वो वहां जाके बोर्ड लगाता है जहाँ उसकी दुकान थी और उसकी होटल थी, 4 कमरों की 10 कमरों की छोटी, उसमें वो बोर्ड लगाता है, होटल का नाम चौक से लिखता है और कहता है, द सिटी इज डाइड, द होटल इज ऑन फायर, बट द हार्ट इज लाइफ, होटल विल रिज्यूम सून. तो वो बोर्ड बीबीसी वर्ल्ड देख लेता है और वो उसको ऑन एयर करता है और उसको अप्रिशिएट करता है, और उसको कोई प्राइम मिनिस्टर भी उस मुल्क का कोई अवार्ड देता है, कहता है ये होती है होप, तुमको इस बंदे से सीखना है कि इस वक्त जब खत्म हो गए सब, वो अपनी दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगाया है जो मिट्टी का ढेर है, पता भी नहीं है बड़ी मुश्किल से कि अपनी दुकान में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, वहां पहुंच के फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालता है और बोलता है ये वापस खुलेगी, मैं उसको बना रहा हूँ, आई विल मेक श्योर ये वापस. और उस बंदे ने वहां पे होटल बना ली खंडर के अंदर, 4 कमरों की. और आपको पता है क्या हुआ? ऊपर वाले का करना ये हो, देखो ये होप की बात है, जहां सब होपलेस थे एक बंदा होपफुल था, और हो सकता है बहुत सारों ने मजाक भी उड़ाया हो कि पागल हो गए हो क्या, होटल खोल रहे हो, राइट, यहाँ पे कौन है, सब तो चले गए, सब तो मर गए. सो वहां पे
यूनाइटेड नेशन, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, सारे बड़े बड़े जाइंट्स एनजीओ आना शुरू हुए, कोई होटल ही नहीं था। कहाँ पे रुक रहे थे? इसकी होटल पे रुक रहे थे, जहाँ 50-100 डॉलर होते थे, ये $1,000 डे का चार्ज करता। रुक जाओ भाई, कोई है ही नहीं, चार कमरे ही हैं इस होटल के। तो ही सोल्ड प्रीमियम, और उसने कहा कि मैंने अगले 2 साल में 10 साल के पैसे बनाए। लेकिन मुश्किल टाइम से गुजरा, बट ही हैड टू पुट पेशेंस इन टू वर्क। शुड ही हैव थॉट के यार 2 दिन में रिजल्ट आएगा तो सही, वरना गिव अप, राइट? सब जल गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों होता है? होता है, हमारे साथ होता है, तो हम ऊपर वाले से लड़ाई के मोड में आ जाते हैं। अचानक शुक्र से हम फाइट मोड भी आए थे, मेरे को पकड़ लिया वापस से, मैं ही मिलता हूँ, राइट? मैं सीधे रास्ते पे चलता हूँ, मेरे को पकड़ लेता है, ये करता है, वो करता है, यस और नो? नाउ पीपल हैव स्टार्टेड लाफिंग, राइट? यही दिमाग में चलता है, राइट? तो होता क्या है, जो हमारा फ्रेंडली मोड होता है, हम उसी से पंगा लेना शुरू कर देते हैं, बट हमें नहीं पता होता। वो कहते हैं ना, वो अकेले कुल है, हम अकेले जुज है। सो व्हेन ही सेज के उसको बहुत कुछ पता है, वो हमें ट्रेन भी कर रहा होता है। उस आदमी को, उसको अमीर बनाना था, इसलिए उसने सारे होटल तबाह किए, उसकी भी होटल तबाह कर दी, बट उसमें होप दे दी। तो हो सकता है इस ग्रुप में कोई, जिसकी जॉब चली गई, जिसकी कुछ चले गई, 2-3 लोगों ने हमें शेयर किया, हो सकता है कुछ बेहतर लिखा ना यार ऊपर वाले ने, राइट? शुड ही हैज नॉट शेकन यू वेल। फार्मेसी पे हमने याद है क्या पढ़ा था, शेक वेल बिफोर यूज, ही वांटेड टू यूज यू, दैट्स व्हाई ही लेट यू लूज द ओल्डर जॉब। कुछ बड़ा देना चाहता है, उसको वेलकम करो। और गुलशन लाल जी ने बहुत राइट इंसाइट दे दी शुरू में, क्वेश्चन करके, पुट पेशेंस इन टू वर्क। पेशेंस रखो, मिलेगा, ओवरनाइट नहीं मिलेगा, बट 3 महीने बाद जब मुड़ के देखोगे ना, तो पता चलेगा अरे 100 माइल पीछे रह गए, हम तो आगे आ गए 100 माइल गाड़ी चलाते हुए, राइट? बट चलते हुए लग रहा होगा भाई यार कितना स्लो चल रही है गाड़ी, वापस बम्प आ गया, हर्डल आ गया, गाड़ी बर्न हो गई, यू नो समथिंग। सो लाइफ में ऐसा ही होता है, जब आप मुड़ के देखते हो तो लगता है अरे यार 4 स्टेप तो ऊपर आ गया। तो वो एक कहावत है, उसको बहुत स्ट्रांग लिखा है, कहते हैं अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव पर्सन, लिख लो, अ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव पर्सन इज, पॉजिटिव आदमी रास्ते में आए हुए पत्थर को स्टेपिंग स्टोन समझता है, जबकि नेगेटिव आदमी रास्ते में आए हुए पत्थर को ऑब्स्टिकल समझता है। यानी उसको लगता है ये पत्थर जो है मेरे बीच की दीवार है, ये मुझे गिरा देगा, मुझे पहले भी गिराया था, मुझे हर्ट करेगा। बट वाइज आदमी बोलता है नहीं, ये मुझे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा रहा है। एक और स्टोन आया, बोल रहा है जबरदस्त, मैं 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, 3 सीढ़ी ऊपर चल गया, मैं मुड़ के देखा तो मेरा कद, मेरी हाइट, मेरा स्टैचर थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद द पॉइंट? एक ही सिचुएशन के दो अलग अलग रुके, यस और नो, राइट? और ये लाइव एग्जाम्पल थी, अच्छी लगी, सो लेट्स क्लैप फॉर दैट पर्सन जिसने होप रखी। तो ये विनर्स और लूजर्स की निशानी होती है, ठीक है? आई थिंक गौतम बुद्ध के पास कोई गया एंड उसको बोला कि एक बादशाह है जो कॉन्टेस्ट रखा है, उसके पास बहुत सारी हीरे हैं और मिक्स हो गए हैं, और उसके लोगों ने कुछ अदल बदल कर दिए, जाली हीरो की, डुप्लीकेट्स की और असली की। वो चाहता है कोई ऐसा मास्टर आदमी आए जो के जानता हो, और वो असली हीरो को और नकली को अलग अलग करते हैं। अब सुनना ध्यान से, वो ये बोलता है कि कौन करेगा? तो उस हर एक ने अप्लाई किया, बोला यार हीरे तुम बादशाह ने, बोला नहीं, अगर तुम अनाड़ी आदमी निकले तो गला सर से अलग, तुमको आता है तो ही तुम हाथ डालोगे काम है, राइट? तो लोग डर गए, ठीक है, 2-3 ने गला गया खत्म, तो बोला बस बादशाह गर्म है, राइट? आता है तो ही करो। तो बहुत सारे आए, सबके 4-5-10-11 लोगों के गले कट गए, राइट? फिर एक अंधा आदमी आया, ठीक है, अंधा आदमी आता है, बोलते बादशाह मैं ट्राई करूं, बोलते रे इतने बड़े बड़े आगे 11-12 गले कटे हुए पड़े हैं, यू वांट टू ट्राई, तेरी तो आंख भी नहीं है। बोलते कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है शर्त, मुझे पता है 12 कटे के पटे, मैं देख नहीं सकता लेकिन मैंने सुना है, आई ट्रस्ट यू, राइट? मेरा भी काट दोगे आप, कोई मसला नहीं। बोलते क्या चाहिए? बोल। बोलते है 10 मिनट के लिए हीरे दे दो कप में डाल के सारे। बोलते है ठीक है, 2 सिपाही भी दे दो। बोलता है हीरे लेके भागू नहीं। बोलता है ठीक है, ये ले जा, कहाँ तक जाएगा भाग भाग के भी। बोलते है जाके बैठ जाता है समंदर के किनारे धूप के अंदर, और 2 प्याले लिए होते हैं, उसमें कुछ डालना शुरू करता है इधर और कुछ डालना शुरू करता है इधर। आता है 1 घंटे बाद, बादशाह को बोलता है ये जो तुम हमारा सीधा वाला सिपाही है, इसके पास हीरे हैं और उल्टे वाले के पास जाली वाले, चेक करा लो। अच्छा चेक करा, बोलता है क्या किया तूने, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, तो कैसे किया? तो कोई स्पेशल पावर? उसने बोला नहीं। उसने बोला हीरो की पहचान ये होती है कि जो असली होते हैं ना वो ठंडे रहते हैं, गर्म है, और जो नकली होते हैं ना प्लास्टिक के, वो गर्म हो जाते हैं, राइट? तो वो लोग जो मुश्किल में गर्म हो जाते हैं,
या ऊपर वाले से लड़ाई शुरू कर देते, या बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों, आई एम द ओनली वन, दुनिया में कोई नहीं मिलता, मैं ही मिलता हूँ, ये वो का, या रिग्रेट्स में चले जाते हैं, फालतू के रिग्रेट्स में जाना भी बुरा है। तो वो प्लास्टिक वाले होते हैं, तो ऊपर वाला भी तो चेक कर रहा होता है ना, मैंने इतने सारे लोग बनाए, क्वालिटी वाले कितने हैं भाई, हीरे कितने और प्लास्टिक कितने। तो नेक्स्ट टाइम तुम लोग नेगेटिव हो रहे हो तो सोच लेना कि तुम प्लास्टिक हो कि तुम हीरे हो, राइट ना। मेनी पीपल आर, सो लेट्स क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। मतलब अपने आप को चेक करो, और हो सकता है मुश्किल में शायद प्लास्टिक से हीरे बनना शुरू हो गए हो, राइट। क्योंकि देखो हिस्ट्री क्या है, दुनिया में आए तो ऊपर वाले ने बोला जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। खुदा बोलता है मेन मकसद ये है कि इस दुनिया से पहचानते हुए निकल जाओ, तो वो ऑब्स्टिकल इसलिए दे रहा है कि भाई प्लास्टिक छोड़ो और हीरे की पैकेजिंग पकड़ो। यस और नो, डू यू अग्री विद द पॉइंट? अगर आप सोचते हो कि मैं जिंदा हूं तो BMW 100 बना लूंगा, अगर आप बोले यार BMW नहीं लगता मुझे, लग जाता मैं तो फिर भी रिपेयर हो जाता 10-15 दिन बाद, राइट। तो वो तो मतलब दिस इज हाउ यू वैल्यू, आपने BMW को वैल्यू ज्यादा किया या अपनी बॉडी को वैल्यू किया, राइट। तो एक ये वो भी चीज आ गई कि रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, राइट। बहुत सारे लोग मटीरियल को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अब आज की दुनिया में देखो, बींग वेरी ऑनेस्ट, लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं वर्सेस एक्सेप्ट करना कि यार दैट्स ओके, मैं ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनूंगा, दैट्स ओके, मुझे मर्सिडीज बेंस रखने की जरूरत नहीं है, टोयोटा कैमरी इज गुड फॉर मी, राइट। ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड बिग कार्स, दे डोंट गो, दे गो एंड दे पार्क देयर स्मॉलर कार्स अवे फ्रॉम द क्राउड ताकि लोगों को नजर नहीं आए कि मेरे पास बीमर्स और वो नहीं है। दैट्स अ ट्रू रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट। बहुत सारे लोग शायद इस बात से एग्री करेंगे, क्यों? बिकॉज वी आर ट्रैप्ड इन द फोबिया ऑफ पीपल इवेल्युएटिंग अस। तो हमने अपने आप को बहुत छोटा कर दिया और अपने मटेरियल गेन्स को बहुत बड़ा कर दिया, राइट। तो इट्स द सेम द एग्जांपल व्हिच यू गिव विशनास कि यार BMW को ना लगे मुझे लग जाए, यू नो वो थोड़ी सी ज्यादा प्रीशियस है मुझसे, वर्सेस वो बादशाह या यू नो द लीडर दैट सेड या ठीक है BMW वाज पीस ऑफ मटेरियल फॉर मी, मैंने ही खरीदा था, मैं 100 और खरीद लूंगा, मैं सेफ हूँ थैंक्स टू गॉड, राइट। पार्टी करता है। सो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, तभी आपको अपना ट्रू विद इन मिलेगा। ओके, तो ये बुक का नाम है द टाइमलेस आर्ट ऑफ टर्निंग ट्रायल्स इनटू ट्रम्प्स। ये लाइफ की जो ट्रायल्स होती है वो किस तरह पॉलिश करती है हमें, और लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो किस तरह इंसाइट्स देते हैं। पढ़नी है ये बुक? तो दो टॉपिक तो हम लोग इसमें से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थैंक यू गुलशन। इनसाइट फुल पेशेंस, वो पहला टॉपिक था जो हमने कवर किया। सेकेंड पर हमने बात की परसेप्शन इज योर पावर, लिख लो PP इज द पावर, परसेप्शन इज द पावर। वो ये कहते हैं ऑथर के तुम्हें पॉजिटिव थिंकर बनना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, वेदर यू आर टीचर, ट्रेनर, फादर, ग्रैंडफादर, हस्बैंड, एनीवन, राइट। और ऑन द फीमेल साइड मदर, वाइफ, यू नो किड, डॉटर। तो ये कहता है इफ योर परसेप्शन इज नेगेटिव इन एवरीथिंग योर आउटकम विल बिकम नेगेटिव, बट इफ योर परसेप्शन इज पॉजिटिव, राइट, कि आप बोल दो कि नहीं यार खुदा तो मेरे साथ खड़ा हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ देना है इसीलिए मेरे साथ हुआ, तो जिंदगी का डायमेंशन ही अलग हो गया। लेकिन आप खुदा के साथ ही काउंटर या एंटागोनिस्टिक भी ले आओ कि नहीं यार मेरे साथ ही क्यों होता है, यू नो द ओल्ड स्कूल ड्रामा लाइक थिंग, तो आप बोलोगे यार आपने तो अपने फ्रेंड को ही अपना एनिमी बना दिया, यस और नो, राइट। तो खुदा कहता है वो मेहरबान है, वो रहमान है, सो वो आपकी गलती भी होगी ना तो भी उसको बहुत छोटा करके आपको बतला देगा। तो हमेशा उस चीज में हमारे लिए ब्लेसिंग होती है, इस पे हमें ईमान रखना चाहिए। और वैसे ही बींग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है, और हमें कहा गया है मायूसी गुना है, राइट, डिस्पोंडेंसी इज अ सिन, ये एक वन ऑफ द 10 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा तो बेस ही है, राइट, जिसको हम आज कॉर्पोरेट अमेरिकन बुक्स सीख रहे हैं। ओके, सेकेंड थिंग वो कहता है एक्शन ओवर इनएक्शन। अब इसको ध्यान से सुनना, एक्शन ओवर इनएक्शन। 1 मिनट के लिए क्लोज योर आइज एंड थिंक, क्या मतलब होगा? वो समरी कहता है द बुक एडवोकेट्स दैट डिसिसिव एक्शन इज द फेस ऑफ चैलेंज, इट सजेस्ट दैट टू क्रिएटिव एंड परसिस्टेंट एफर्ट्स इवन द डॉन्टिंग ऑब्स्टिकल्स कैन बी ओवरकम, बट व्हेन देयर इज नो एक्शन इट कंप्लीटली रिजल्ट्स इन द फेलियर। वो ये कहता है कि बुरा हर एक के साथ होता है, ठीक है, बट वो आदमी जल्दी बाहर निकल आता है जो एक्शन लेता है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, टॉप 5 रीजंस व्हाई पीपल डाई, आपको बहुत हैरत होगी जान के, वो जगह जहाँ के वहां पे हंगर और स्टारवेशन है, यानी लोगों को खाना पेट भर के नहीं मिलता, ऐसी भी बहुत सारी जगह है दुनिया में, लोग
वो कह रहे हैं वहां भी लोग भूख से नहीं मरते। वहां पे सर्वे कराया गया और देखा गया, क्योंकि खुदा ने कहा है कि भूख से लोगों की जिम्मेदारी रिस्क देने की किसकी है? मेरी है। वो पत्थर के नीचे भी जानवर को खाना पहुंचा देता है। डू यू ऑल अग्री ऑन दैट? तो इंसान भूख से नहीं मरता, वो कह रहे इंसान डिप्रेशन से मर जाता कि मुझे खाना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कल भी मैंने आधा पेट खाया था। आधा पेट खाएगा लेकिन खाएगा, राइट? वो इस डर में मर जाता है कि कल मुझे खाना नहीं मिलेगा, और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में है। सो क्या समझ आया? भूख से आदमी नहीं मरता, दुनिया का सबसे बड़ा मरने का रीजन है डिप्रेशन। डिप्रेशन आदमी को मार देता है। एंड डिप्रेशन क्या है कि ऊपर वाले पे ईमान खत्म हो गया। तो मुंह से आप बोल रहे हो आई ट्रस्ट गॉड, अल्लाह, जो भी जिस भी मजहब से, लेकिन अंदर से ये सोच लिया नहीं यार कोई काम नहीं आने वाला, कल खाना नहीं मिलेगा, क्लियर हो गया? तो कल जॉब नहीं मिलेगी, तो कल अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिलेगा, तो कल बिजनेस नहीं स्टार्ट होगा, तो कल पैसे नहीं बनेंगे, कल वापस अच्छी हेल्थ नहीं आएगी, कल वो वापस नहीं होगा अच्छा जो अब तक जब अच्छा उसने दिया था तो आगे नहीं दे सकता, यस और नो? तो अपने आप को वो रिकॉल कराना पड़ता है, बिकॉज जो नेगेटिव डेविल है, हिज वर्क इज टू क्रिएट डिस्पोंडेंसी। वो अटैक ही डिप्रेशन में करता है। कुरान में एक बहुत अच्छी आयत है, उसमें लिखा है खुदा और उसकी बात बताई है इब्लीस की, उसमें कहा है कि वो कहता है मैं आगे से वार करूंगा, पीछे से वार करूंगा, सीधे हाथ से आऊंगा, उल्टे हाथ से आऊंगा। क्या मतलब हुआ? आज साइकोलॉजिकल साइंसेस कहती है उल्टा हाथ का जो ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन है, वो लॉजिक पे वार करेगा आपकी, आपको बोलेगा कल खाना नहीं मिलेगा, लॉजिक देगा, गलत लॉजिक देगा जो आपको सही लगेगी और आपको डिप्रेशन देगा। ठीक है, आप बहादुर आदमी निकले, आपने तलवार से काट दिया वो थॉट, वो सीधे हाथ पे इमोशनल वार देगा, राइट? किसी फैमिली के बंदे को ले लेगा, छीन लेगा, रिलेशनशिप खत्म कर देगा, आप एनवी मोड में चले जाओगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। आप बहुत मजबूत पहाड़ सैमुराई निकले, आपने उसको भी काट दिया, आगे से वार करेगा, आपकी बॉडी में कोई डैमेज कर देगा, बहुत कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर कर देगा। आप उससे भी नहीं टूटे, हमारे पास है ना कैंसर सर्वाइवर्स, माशाल्लाह, लेट्स क्लैप फॉर देम, राइट? इसी ग्रुप में है 200-300 लोगों के, राइट? लोग उससे भी निकल आए, पीछे से वार करेगा, बैक बाइटिंग देगा, फैमिली में लोग बुरा कहेंगे, दोस्तों में बुरा कहेंगे, आपने जिंदगी लगा दी लोगों के लिए, लोगों ने आपको छोड़ दिया, होता है, मेनी पीपल आर सेइंग यस, राइट? हम किसी की बात नहीं, क्या हुआ? खुदा ने कुरान बात की है, आगे से पीछे से दाएं से बाहर से, क्या है? सब साइकोलॉजिकल साइंसेज है। आप जैसे टूटोगे आपको वैसे तोड़ेगा। कौन तोड़ा है? क्योंकि आपको प्लास्टिक और हीरे का फर्क बता रहा है, राइट? आपको ये वार कर रहा है और आप उस वार का जवाब दे रहे हो और आप बता रहे हो कि मैं प्लास्टिक नहीं हूं, ऊपर वाले मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं हीरा हूं। लेकिन आप कोई भी कहते हैं ना, सिकंदर आजम जो था ना, वो सिकंदर आजम इसलिए नहीं था कि वो पूरी दुनिया को जीत गया था, वो सिकंदर आजम इसलिए था कि वो बहुत दफा मार खाने के बाद वापस खड़ा हो जाता था। तो मार सिकंदर आजम को भी पड़ती थी, बट दुनिया में जीतता इसलिए था। या रैम्बो का भी डायलॉग था ना, अपने बेटे को सिखाता है कि बेटा मजबूत पंच मत रखना, पंच खा के गिरने के बाद उठने की ताकत रखना, बिकॉज कोई ना कोई इतना मजबूत आएगा जो तेरे से मजबूत पंच मार के तुझे गिरा देगा, बट तू अगर उठ जाएगा तो वो एक ना एक दिन हार जाएगा। तो इंसान का भी यही है कि वो मारेगा और आप कहीं ना कहीं गिर जाओगे, राइट? एक ना एक दिन गिव अप कर जाओगे, उस दिन आपकी लाइफ रिवर्स में चलेगी, बट वो आपको गिराएगा और आप बोलो सो व्हाट, खुदा खड़ा हुआ है, मैं वापस उठ जाऊंगा, पहले भी उठा था। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? ठीक है, तो अपनी लाइफ को 1 मिनट के लिए एवेल्युएट करो, गिव अ 30 सेकेंड ब्रेक, टेक आउट योर पेपर्स एंड पेन्स और अपनी लाइफ के हार्डशिप्स लिखो। और आप सबको पता है 30 सेकेंड्स की भी जरूरत नहीं है, हो सकता है लेटेस्ट नया ब्रांडेड वर्जन हो हार्डशिप का, अभी अभी आया है 24 घंटे के अंदर, हो सकता है 6 महीने में आया, हो सकता है 1 साल में आया, हो सकता है 5 साल में आया, हो सकता है आगे चले गया, बट अभी भी बैड मेमोरीज है कि यार ये बुरा हुआ था मेरे साथ 10 साल पहले, अभी तक क्यों पाल के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, यस और नो? राइट, छोड़ दो, दुनिया में आगे आओगे ना तो लोगों के इतने मसले हैं, आपको अपना मसला दिखेगा ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, राइट? आप शुक्र गुजारी में आ जाओगे, नीचे वाले को देखना शुरू करोगे, राइट? तो पहला क्या था, परसेप्शन इज पावर, बुरा होगा, परसेप्शन पॉजिटिव रखो कि मुझे
ऊपर उठाने के लिए बुराई आई है, नीचे गिराने के लिए नहीं आई। सेकंड, कोई ना कोई एक्शन लेना है, बैठना नहीं है, राइट? बीमारी आई है, सोल्यूशन लाओ, वॉक शुरू कर दो, वाइटल्स चेक कर दो, शुगर कंटेंट, कार्ब कंटेंट, कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। खाली घर बैठ के दुआ करने से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। खाली खुदा ने फरिश्तों को दुआ या तारीफ के लिए बनाया, इंसान को स्ट्रगल दी है, उसका वेपन स्ट्रगल है। तुमने स्ट्रगल छोड़ दी, क्या होता है, बहुत सारे सीनियर, वी हैव टॉक सो मेनी टाइम, जितनी बुक्स आई, डू यू ऑल अग्री विद दैट, लोग रिटायर होने के बाद बीमार होना शुरू हो जाते हैं सीनियर्स, यस और नो? क्यों? बिकॉज स्ट्रगल खत्म हो गई लाइफ से। तुमको लगा था पार्टी करोगे तुम लोग 80 के बाद, 60 के बाद, 65, और तुम लगाड़े बीमार हो गए। आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं, आज साइंस बोलता है रीड करो ताकि अल्जाइमर सही हो, तो सबने पढ़ना शुरू कर दिया जो शौक नहीं रखते थे, राइट? बचने के लिए शुरू कर दिया डिफेंसिव मोड में। क्यों? क्योंकि पता चला स्ट्रगल निकल गई तो बीमारी ने पकड़ लिया, डिस्पोंडेंसी ने पकड़ लिया, डिप्रेशन ने। आज माशाल्लाह 200 बुक्स, 300 बुक्स पढ़ लिए, कितने खुश हो, राइट? सोते नहीं है तो पैर को आ जाते हैं, एनिवर्सरीज हो, सेलिब्रेशन हो, क्रिसमस तक हम लोग क्लास लेते हैं, आप लोग बोलते हो उसमें भी क्लास लो, राइट? तो क्या है, ये पॉजिटिविटी है ना, माशाल्लाह। शुरू में थी, नहीं थी, राइट? तो मैं अभी किसी से बात कर रहा था यहाँ पे, सोशल वेलफेयर बोर्ड या यूथ बोर्ड है, उन्होंने बोला यार यूथ में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। मैं उनको बोला क्लासेस ज्वाइन करो, तो बोला आपके क्लासेस अलग अलग टाइम जोन में, आप फेसबुक पे डाल दो कहीं ना कहीं। तो मैंने इसलिए बोला कि मैं कोशिश करके नॉन रिलीजियस कॉन्टेंट थोड़ा सा हटा दो ताकि सब इससे फायदा उठाएं, क्योंकि हमें नहीं पता। मैंने आपको बताया था शुरू में हमारी क्लास कुछ यंगस्टर्स अटेंड कर रहे थे कैमरा ऑफ करके, राइट? एंड आई वॉज वेरी शॉक टू लर्न, और मैंने उनको बोला आप लोग आओ, यू नो, बिकॉज उनको लगता था यार हम 13, 17, 21 के, एंड हम बोल भी नहीं सकते किसी को हमको डिप्रेशन हो रहा है, पीपल वुड लाफ एट अस, क्योंकि बच्चे बोलेंगे माँ बाप यार 13 साल की उम्र में हमको तो पता भी नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। बट आज है, आज बुलिंग है, यू नो, आज इन्फेंसी डिप्रेशन 87% है, यू नो द रिपोर्ट्स, तो पीपल आर फेसिंग दैट, कोई सोल्यूशन नहीं है। तभी तो मेंटल हेल्थ यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा मसला बन गया है, राइट? सो एक ये बहुत बड़ी सेवा भी आप लोगों के लिए जो 200 बुक्स पढ़ चुके हो, कि आप ऐसे डिप्रेशन पेशेंट्स ढूंढो, और पेशेंट्स नहीं है, ऐसे लोग जो डिप्रेशन में है, बिकॉज नजर नहीं आता ना, ट्राई टू हेल्प देम, उनसे दो अच्छी बातें कर लो, पॉजिटिविटी दे दो लाइफ में बैठ के। यू नेवर नो, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त किसी मुश्किल से गुजर रहा है, और आपकी दो लाइन ऑफ मोटिवेशन उसको होप दिला दे कि हाँ यार मैं उठ सकता हूँ। याद है वो टोनी रॉबिन्स का वाकया, उसने वो डिप्रेशन की पेशेंट को कैसे उसकी अच्छी अच्छी चीजें याद दिला के डिप्रेशन की पिल्स छुड़वा दी थी, राइट? ये मेंटोर करता है, आप सब मेंटोर बन सकते हो, राइट? यू ऑल आर सीनियर्स माशाल्लाह। बड़ी हैरत होगी जान के, पॉवर्टी, अल्ट्रा पॉवर्टी मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, मैं 17 साल से अलहमदुल्ला इसमें वर्क कर रहा हूँ कोशिश करके, एंड आई लर्न फ्रॉम हुसैन साहब खान, उनकी बातों से, और अलग अलग मैंने देखा बहुत दफा पुअर जो होता है ना, वो पुअर इसलिए होता है कि वो गिव अप कर चुका होता है, या उसकी फैमिली गिव अप कर चुकी होती है कि हम पुअर थे, वी विल रिमेन पुअर, और हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, हम पुअर ही रहेंगे। उसको रिसोर्सेज भी देते हैं ना बड़े बड़े इदारे आके, वो नहीं काम करता क्योंकि उसकी एनर्जीज डिवेस्टेट हो चुकी है। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो, राइट? तो डिप्रेशन और नेगेटिविटी इज इन एनी फॉर्म, सबसे ज्यादा वो आपको डिस्ट्रॉय करेगा आपकी एनर्जी को, आपको बोलेगा इतनी मेहनत की ना तुमने शनास, क्या हुआ, खत्म हो गया ना, अब छोड़ो, अब मेहनत नहीं करना, इतनी मेहनत की तुमने परवीन, अभी वापस ट्राई नहीं करना, अभी बहुत एज हो गई, अब छोड़ दो। तुम बोलोगे हाँ यार सही है, थक गए यार, नेगेटिविटी, राइट? तुम्हारे को सबसे पहला अटैक देगा तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पे, कि डिसीजन मेकिंग ही तुम नहीं करो, बोलो छोड़ दो, आई गिव अप, खत्म, मेरी कोई भी चीज काम नहीं करती, मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? देख लो उठा के अपने इधर उधर टाइप, जहां भी फेलियर आया बहुत कम लोग दोबारा खड़े हो पाए। वॉरेन बुफेट का नाम सुना है? सुनना, वॉरेन बुफेट कहता है कि मैं जब तक उस आदमी पे पैसा नहीं लगाता जब तक वो कम से कम 13 दफा फेल ना हुआ। कितनी दफा? 13 टाइम्स। क्योंकि वो ये कहता है कि जो आदमी 14 दफा खड़े होने का जज्बा रखता है वो चीज को सक्सेसफुल बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 दफा फेल होके जो खड़ा नहीं हुआ यानी वो बड़ा खिलाड़ी नहीं है, मैं बड़े खिलाड़ी पे पैसा लगाता हूँ। तो अगर आप लोग भी 2, 4, 5, 10 दफा KFC वाले बाबा जी जो हैं, यू नो द गाय हु हैज KFC इन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कितनी दफा फेल हुआ है,
क्लोज टू 900 टाइम्स, राइट? कितनी एग्जाम्पल्स है, एडिसन ने बल्ब बनाया, 10,000 दफा फेल हुआ। जितना ज्यादा फेलियर उतनी बड़ी सक्सेस, बट उठने के लिए दम चाहिए, एनर्जीज कलेक्ट करनी पड़ती है, ताकत लानी पड़ती है, पॉजिटिव माइंडसेट लाना पड़ता है अपने। तो वो ये कहते हैं लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, जब आपकी एनर्जीज टूट जाएंगी ना तो आपको याद दिलाना पड़ेगा अशरफ रतानी 10 दफा पहले भी हो चुका है, पहली दफा नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम कैसे उठे थे याद है? वो टोनी रॉबिन्स उसको कैसे याद दिलाता है, तुम कैसे आई थी भाग के फिलिपीन से वॉर में अपनी फैमिली को बचा के। हाँ बिल्कुल, और क्या आता है, मुझे तो खाना पकाने आता है, गुड, और मुझे तो 4 लैंग्वेजेस आती है, और वो उसको अपनी स्ट्रेंथ से याद दिलाता है, और उसकी डिप्रेशन की मेडिसिन छूट जाती है 18 साल की। यस और नो, राइट? तो आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और अपनी ताकत जो पहले थी जब जब आपने पॉजिटिव कुछ ना कुछ लाइफ में बढ़ा किया, उसको लिखने की जरूरत है। और नेक्स्ट टाइम वेन एवर समथिंग गॉड फॉरबिड हैपेंस टू यू या डिमोटिवेशन कम्स, उस लिस्ट को पढ़ लो, उस लिस्ट को बोलो माई सक्सेसफुल हिस्ट्री। 4-5 उसमें वाकया तो एक 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 लाइन के, भले कोडेड इन योर लैंग्वेज, बट वो आपको किक दे, वो आपको मोटिवेट करे कि कोई मसला ही नहीं है यार, 10 दफा खड़े हुए हैं, 11 दफा भी हो जाएंगे, पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? तो गुड। तो अभी अब लोग अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं नीचे चैट में, यस फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, एग्जैक्टली इट्स द पिलर ऑफ सक्सेस, राइट? क्या हुआ, यही लोग जो लिख रहे थे हाँ मेरे साथ भी होता है, बहुत होता है, अब सब पॉजिटिव हो गए ना, लेकिन ये क्या है, ये वो जैसे अपन खोलते हैं ना कोक खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, एफरवेसेंट बबल अप की तरह जाएगा, आहिस्ते 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 खत्म हो जाएगा, राइट? अब तुम लोग को देखना तुम लोग का बबल अप का जोश कितना बड़ा है, 4 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, 1 साल रहता है, तो तुम लोग को खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेशन करना पड़ेगा, राइट? कुछ लोगों को आधे घंटे में भूल जाएंगे, कुछ लोग 1 घंटे बाद भूल जाए। ओके, फिफ्थ पॉइंट वो बोलता है प्रैक्टिकल फिलोसफी। प्रैक्टिकल फिलोसफी क्या होती है, दैट टीचेस द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। वो कहता है कि हमको ना अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, लिख लो, ये वही वाली बात है, जो अपने आप को जानता है वो खुदा को पहचानता है। वो ये कहता है हर आदमी अलग है, सरोज वाडी वाला इधर अलग नेचर की है, गुलशन अलग है, शहनाज अलग है, मुनीरा साचवानी अलग है, परीज प्रवानी अलग है। तो हो सकता है सरोज बहुत कॉम्पोजिट है, वो भी फेल होती है बट वो समझ जाती है, वो पेशेंट रहती है, बट हो सकता है फरीद प्रवानी फेल होता है तो वो बहुत शोर मचाता है, वो 100 लोगों को जाके बोलता है। हो सकता है शौकत भाई जो है वो फेल होता है तो वो और ज्यादा पंप हो जाता है, बोलता है कोई बात नहीं मैं फेल हुआ कैसे, तो मैं और बड़ा पास होकर दिखाऊंगा, राइट? हो सकता है मलिक मिठा है, वो फेलियर को सुनती नहीं है, वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती, वो तस्बीह निकाल के बैठ जाती, खुदा को याद करने बैठ जाती, बोलते कोई बात नहीं वो संभाल लेगा, राइट? इतना बड़ा ट्रस्ट है खुदा पे। तो हर आदमी को अपना वेपन पता है, राइट? कुछ लोग बूमरैंग करते हैं, शोर करते हैं, 10 लोगों को फोन उठाएंगे, पता है मेरे साथ क्या हुआ, अरे ये हुआ ये हुआ, दूसरा आदमी बिजी है, उसको पड़ी भी नहीं है, वो पूरी कहानी सुना देंगे आधे घंटे की, ठीक है? वो बोलेंगे यार हाँ सुना, दूसरा आदमी बोला था यार कब फोन रखोगे यार, किसी के पास किसी का सुनने का टाइम है कि नहीं है, राइट? पीपल अलग नहीं है भाई, पीपल वॉन्ट पॉजिटिविटी ओनली, सो कीप योर नेगेटिविटी टू यू, ठीक है? जो 10-12 फ्रेंड बन गए ना गलती से वो भी चले जाए, अच्छी अच्छी बातें किया करो, ठीक है? नेगेटिव बातें अपने पास ही करो और भूल जाओ, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, यस और नो? अच्छा, इसमें दो थ्योरीज हैं, एक थ्योरी है जो कहती है अपनी बातें सबको बताओ, राइट? मुझे नहीं पता कौन सही है कौन नहीं है, बट मुझे ये पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि इज्जतदार होना चाहते हो, रिस्पेक्टफुल होना चाहते हो, तो अपने भेदों को अपने तक छुपा के रखो, ठीक है? तो कौन सा है आपको डिसाइड करना है, राइट? लेकिन बहुत दफा चीजें या आपके साथ जो हैपनिंग्स हुई हैं उसको 100 लोगों को 10 लोगों को ना बता के आप ज्यादा खुश रह सकते हो, क्योंकि हो सकता है आप एक डिसबैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में हो और आपने किसी ऐसे बंदे को बताया जिसने आपको पॉजिटिव की जगह और नेगेटिव कर दिया, होता है ऐसा? यस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद द पॉइंट, राइट? तो आप उठने की सलाहियत रखते होगे तो भी खत्म हो गया, उसने बिठा दिया, उसने बोला ओए ओए तुम्हारे साथ तो शौकत भाई इतना बुरा हुआ है तुमको पता ही नहीं है, शौकत बोला अच्छा इतना बुरा हो गया, बोला हाँ बस खत्म हो गया कहानी, शौकत भाई उठ रहे थे मसले से बाहर निकल रहे थे, अशरफ उठ रही थी, शहनाज उठ रही थी, उसने उसने बोला नहीं बाप रे इतना बड़ा मसला हो गया मेरे को तो पता ही नहीं था, राइट? सो कभी कभार बेटर है क्या उस फेज से खुद ही पास हो जाओ, ठीक है? हैव फेथ इन गॉड, प्रे टू गॉड कि वो स्ट्रेंथ दे, वो स्ट्रेंथ
दे देगा, ठीक है। बट जिससे गुलशन ने शुरू किया था ना, पेशेंस को एम्ब्रेस करना पड़ता है, पेशेंस टाइम लगाता है, राइट। वो चीज सॉल्व होते होते टाइम लेगी, मगर एक्शन लेते रहना पड़ेगा, ओके। तो उसने बोला दुनिया में भी यही काम करो कि बहुत तेज चलो, बहुत सारे काम करो, बट ऊपर से सुकून होना चाहिए। जब 100 लोगों को बोलते हो तो कोई काम नहीं करते है, बट जब 100 काम करते हो और एक बंदे को बोलते हो या किसी को नहीं बोलते हो तो डक लगते हो, दुनिया डक को पसंद करती है। इन सब में से मैंने 4-5 लोगों से पूछा, किसी ने भी डक की बुराई की, येस और नो? इफ आई वुड हैव सेड चिकन, बोलेंगे वो चोंच भी मारती है, यू नो। इफ आई वुड हैव सेड ऑस्ट्रिच, वो तो गर्दन निकाल लेता है। इफ आई वुड हैव सेड ईगल, वो तो आंखें निकाल लेती है, यू नो। सो मेनी बैड थिंग्स ऑल्सो आर एसोसिएटेड, बट कुछ जानवर बहुत अच्छे पीसफुल आते हैं। सो वो कहता है ऑथर, बी द डक इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी। तो डक का मतलब क्या है? लॉट ऑफ एक्शंस। अगर आप प्रॉब्लम में हो, आपको कुछ फारिग नहीं बैठना, बहुत सारी चीजें करनी है। सेकेंड चीज, झुंड में रहना है, ऑलवेज कीप पीपल अराउंड योर सेल्फ। अपने आपके लिए मी टाइम दो, बट दोस्त रखो, पुराने दोस्तों को कॉल करो, पुराने पीयर्स को कॉल करो, चेक करो, आपका सर्कल इतना बड़ा हो कि आपको जरूरत नहीं पड़े, आप अपने मसले अपने तक ही रखते हो, बट आपको ये पता, यार मुझे मसला हुआ ना तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे आके। ये बिलीव आपको खुश रखता है, येस और नो? किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं आज के दौर में, राइट। दैट्स अ ब्लंट रियलिटी, बट आपको पता हो ना यार 100 लोग खड़े हो जाएंगे, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, वाह जबरदस्त, मैं तो शेर बन गया, राइट। आप अकेले ही खड़े, ऊपर वाला ही खड़ा है आपके साथ, दैट्स द ब्रूटल रियलिटी। तो वो कहता है डक बन के रहो, सबको साथ रखो, कभी ना कभी कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट करेगा, कभी ना कभी कोई ना कोई आपसे अच्छी बात करेगा, क्योंकि आप भी अच्छी बात कर रहे हो, आप भी कम्युनिकेट कर रहे हो, आप भी लोगों को बता रहे हो वहां नहीं जाना खतरा है, वो नहीं करना गलत काम है, वो नहीं करना मसला हो जाएगा, राइट। सो व्हेन यू केयर फॉर अदर्स, अदर्स केयर फॉर यू। और उस तरह हम अपना सेशन खत्म करते हैं, होप यू लाइक इट। और बुक का नाम मैंने लिख दिया था, लंबा चौड़ा नाम था, बट द टॉपिक वॉज कि किस तरह से ट्रायल्स को ट्रम्प्स में बदलना है और सक्सेसफुल होना है, ना कि डिप्रेस्ड पर्सन बन के रहना है, राइट।